हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन जीके। तो गाइस, पंजाब पोस्टल सर्कल में वैकेंसी निकल चुकी हैं, पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी निकल चुकी हैं। पंजाब में टोटल वैकेंसीज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है एंड सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ आपको इन डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। टोटल पोस्टर्स हैं 851, 850 वैकेंसीज है। ऑल इंडिया लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो आपको एक बार बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या पोस्ट है? GDS, ग्रामीण डाक सेवक। अगर आपको याद होगा कि 2017 में भी वैकेंसी निकली थी पंजाब में, तकरीबन 650 वैकेंसी निकली थी, उसी हिसाब से फिर से वैकेंसी निकल चुकी हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास आ चुकी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो रहेगी 10th पास। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 40 साल तक अगर आपकी एज है, जर्नल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST, फिजिकल हैंडीकैप, OBC एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो रिलैक्सेशन होता है उसके बारे में आप सभी को पता ही है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दूँ, कल से फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 5 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो रहेगी, लास्ट डेट है 4 सितंबर 2019, 4 सितंबर 2019 लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। अब बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में, आपको बता चुका हूँ, क्वालिफिकेशन आपको बता चुका हूँ, अब फीस के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, फीस भी बिल्कुल कम है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। OBC, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एंड जर्नल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 100 फीस है। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं जैसे SC ST, फिजिकल हैंडीकैप, सभी के लिए फ़ीस है निल, कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास आ चुकी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसे पिछली बार की तरह हुआ था। इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th के मार्क्स पे बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। ओके, तो 10th में अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। आपको सजेशन करूँगा कि अगर 80+ अगर आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। कम वाले भी कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ 10th के मार्क्स के हिसाब से जाएगी तो मेरिट 80 से कम तो नहीं जाने वाली, 80 से अबव ही जाएगी। ओके, तो गाइस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अप्लाई ज़रूर करें। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास 10th में पंजाबी नहीं थी, यानी कि 10th में आपने पंजाबी नहीं पढ़ी थी, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट आपको बता चुका हूँ, 4 सितंबर 2019 तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ज़रूर अप्लाई करें अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रामीण डाक सेवक के बारे में डिटेल में बताऊं क्या जो प्रोफाइल है, तो कमेंट करके बताएं, उसके बारे में भी आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी। फॉर फर्दर इंक्वायरी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइज, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।